सो गाइज अभी आप लोग देख रहे हो भाई मैं अपने गेम मोबाइल, सो गाइज आप लोग तो देख सकते हो इंडस गेम फाइनली लॉन्च हो चुका है। इसके बाद गाइज मैं अपने मोबाइल के अंदर भाई इंडस गेम खेल पा रहा, वो भी जायरोस्कोप की मदद से। यानी जायरोस्कोप तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। हाँ गाइज तुम लोग देख सकते हो मेरी जो स्क्रीन है वो ऑटो मूव हो रही है। और हाँ भाई मेरे फोन के अंदर ये फंक्शन भी नहीं है। और भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि यार काफी बड़े बड़े जो भी मतलब हैवी डिवाइस रहते हैं ओनली उसी के अंदर ही जायरोस्कोप रहता है। और भाई मेरे फोन के अंदर तो क्या भाई जायरोस्कोप तक नहीं है। और भाई तुम लोग तो देख ही सकते हो बस स्क्रीन मूव करने के बाद भाई मेरा लिटरली में जायरोस्कोप की तरह भाई मेरा स्क्रीन मूव हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये मैंने कैसे कर दिया। और भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं आप लोग अपने यहां पे इंडस गेम के कौन सा सेटिंग यूज करके आप लोग जायरोस्कोप को ऑन करवा सकते हो। और भाई कैसे भाई तगड़े वाले हेडशॉट पड़ रहे हैं भाई जायरोस्कोप की मदद से। तो भाई खेलने में ही काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, क्योंकि भाई इसके हेडशॉट तो आप लोग तो देख ही सकते हो भाई। स्क्रीन जो है वो ऑटो मूव हो रही है, जिसमें गाइस हम लोगों को काफी ज्यादा और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोग गाइस इसे आप लोग कैसे अपने फोन के अंदर ट्राई कर सकते हो, और भाई कैसे आप लोग इंडस गेम के अंदर जायरोस्कोप ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, और भाई कैसे आपको इसे ऑलवेज ऑन करना है। भाई मतलब गाइस अगर आप लोग इसे ऑलवेज ऑन करोगे तो ये भाई जायरोस्कोप रहेगा ना वो ऑटोमेटिक हमेशा हमेशा के लिए ऑन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ULKR ले लिया भाई, देखते आखिरकार ये वाली गन कैसे, क्योंकि भाई भाई साहब ये तो भाई एकदम स्नाइपर की तरह है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो 4x हो चुका, और भाई 8x में कितना ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। वैसे गाइस मैं अभी आपको बता दूं भाई कभी काफी ज्यादा ही तगड़ा लग रहा है। बाकी और भी हमें गन्स मिल रही है, तो गाइस यहाँ पे मैंने कोई दूसरी गन ले ली। तो भाई मैंने ULFR ले लिया है, तो गाइस लेट्स गो देखते। ओ भाई साहब ULFR तो काफी ज्यादा ही तगड़ी चल रही है। ओके गाइस तुम लोग देख सकते हो जायरोस्कोप के अंदर भाई खेलने में कुछ ज्यादा ही वाला ही तगड़ा मजा आ रहा है। तो चलो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ जायरोस्कोप की सेटिंग कैसे ओपन करनी है, वो भी अपने गेम के अंदर। जो हेडशॉट लगने वाले हैं ना भाई वो बहुत तगड़े वाले लगने वाले, क्योंकि जायरोस्कोप के हेडशॉट बहुत ही क्रेजीएस्ट लगते हैं। तो आप लोग तो देख ही सकते हो भाई जायरोस्कोप के हेडशॉट कितने तगड़े लगने वाले। तो गाइस तुम लोग तो देख ही सकते हो बस प्लेयर भाई लिटरली में भाई यहाँ पे ओनली हेडशॉट ही लग रहे। तो गाइस तुम लोग तो देख ही सकते हो अब इसकी सेटिंग कैसे ओपन करनी है फोन भाई। इसी गेम के अंदर आपको सेटिंग ओपन करनी है, जनरल के ऑप्शन पे आना है। तुम लोग देख सकते हो काफी सारे बटन देखेंगे, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऑटो फायर है भाई मेरा ऑन है, ऑटो फायर मैंने ऑन कर देता हूँ भाई। बस आपको एक कुछ सेटिंग कर लेना है तभी गाइस जायरोस्कोप आपका अच्छा से वर्क भी करेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। और भाई इसके बाद यहाँ पे जायरो एक्स है जायरो वाई है, तो तुम लोग देख सकते हो टच भाई यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाई आपको इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना भाई, यहाँ पे आपको जायरोस्कोप की एक सेटिंग देखेगी। ये देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफ है, यहाँ पे ADS ओनली करोगे तो गाइस किस तरीके से वर्क करेगा तो तुम लोग खुद ही देख सकते हो भाई। यहाँ पे कुछ भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, यानी गाइस पूरी स्क्रीन भी ऑटोमेटिक मूव नहीं हो रही। आप लोग अपना फोन का मूव करके देखना, ये मूव नहीं करेगा, ऑलवेज ऑन करोगे तो तुम लोग देख सकते हो भाई ये ऑटोमेटिक गाइस यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है वो ऑन भी हो जाएगी। तो तुम लोग तो खुद भी देख सकते हो भाई काफी ज्यादा ही भाई क्रेजीएस्ट लग रहा है। और यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होंगे जायरोस्कोप के अंदर भाई स्क्रीन को मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। तो भाई इससे आपकी प्लेयर की भाई मूवमेंट है यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी, और आप लोग गाइस यहाँ पे अपने मैच के अंदर काफी अच्छी तरीके से विन भी आप लोग कर सकते हो भाई इस वाले सेटिंग की मदद से। और वैसे गाइस कैसा लगा आपको ये खतरनाक सी सेटिंग मुझे कमेंट पे जरूर बताना, और भाई इसी तरीके के नए नए अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।